Hello everyone, so myself Anshul and welcome to my channel Ms. Botanophilic. So in today's video, I'll be telling you about a very important topic of plant pathology, that is the non-parasitic or abiotic disease. Okay, तो इससे पहले plant pathology भी मैंने बहुत सारे lectures upload किए हैं, तो ये भी एक बहुत important lecture है plant pathology में, जिधर आज हम लोग non-parasitic या फिर abiotic disease के बारे में पढ़ेंगे. Before starting this topic, you should know that what is abiotic. Abiotics basically means to say that something which is not living. यानी कि जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनकी वजह से अगर प्लांट में डिजीज होती है तो इस टाइप की डिजीज को हम बोलते हैं एबायोटिक डिजीज. ओके, सो प्लांट डिजीज इन विच नो फॉरिन ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद द कॉज, इट इज कॉल्ड एज द नॉन पैरासिटिक डिजीज. ओके, नाउ हियर द कॉजेज कैन बी बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, मैकेनिकल इंजरी, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट, और द मेन कॉज मे बी बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. ओके, तो ये जो नॉन पैरासिटिक या फिर एबायोटिक डिजीज होती है इसके अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं. पहला तो जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जैसे एक्सेसिव अगर हीट हो गई तो उसकी जैसे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम प्लांट में आपको देखने को मिलेगी, या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी है, या कभी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसे कि आपका पेस्टिसाइड हो गया, हार्मफुल गैसेस हो गई, या फिर आयनाइजेशन जैसी जो कंडीशंस होती है, इनकी वजह से भी प्लांट में नॉन पैरासिटिक डिजीज देखने को मिलती है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है नॉन पैरासिटिक डिजीज का, वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. अब देखो, न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी होती है ना, इसके अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आप इसमें 4 to 5 एग्जांपल्स याद कर लेना फॉर एग्जांपल पर्पस. लाइक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है उससे होता है रेड लीफ ऑफ कॉटन. सिमिलरली जो हमारा फॉस्फोरस है, इसकी वजह से होता है प्लांट में ड्वार्फनेस देखने को मिलती है. पोटेशियम की वजह से क्लोरोसिस होता है. बोरॉन की वजह से जो होता है हमारा हॉलो स्टेम देखने को मिलता है ब्रासिका में, मस्टर्ड में. कैल्शियम की अगर हम बात करेंगे, इसकी वजह से डिस्टॉर्टेड अपेयरेंस होता है, मतलब प्लांट का जो होता है अपेयरेंस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है. कोबाल्ट की वजह से सिट्रस डायबैक डिजीज देखने को मिलती है. आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से सिट्रस में ही ग्रीन नेटिंग डिजीज होती है. मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रे स्पैक ऑफ ओट होता है. सिमिलरली जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से रॉसेट्स ऑफ फ्रूट ट्री देखने को मिलता है. फ्रूट ट्री में क्या होता है, रॉसेट्स बन जाती हैं. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी नॉन पैरासिटिक डिजीज की, बिकॉज उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा इन्वॉल्व नहीं है, या कोई भी पैरासाइट इन्वॉल्व नहीं है, ना बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है. यहाँ पे एबायोटिक यानी कि कुछ जो कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे बताई, इनकी वजह से प्लांट में क्या हो रही है, डिजीज हो रही है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम एज अ नॉन पैरासिटिक और द एबायोटिक डिजीज. ओके, अब हम यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी आपकी नॉन पैरासिटिक डिजीज होती है, बट मैं आपको दो डिजीज के एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताऊंगी. एक है खैरा डिजीज और एक है मैंगो नेक्रोसिस, जिसको ब्लैक टिप डिजीज भी बोलते हैं. ठीक है, तो मैंने ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं. थोड़ा बहुत हम जस्ट फॉर एग्जाम पर्पस यहाँ पे इनकी समरी ले लेते हैं. तो सबसे पहले जो डिजीज हम लोग कवर करने वाले हैं नॉन पैरासिटिक के अंदर, वो है खैरा डिजीज. तो आपकी जो खैरा डिजीज है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक इन राइस. तो बेसिकली राइस में डिजीज आपको देखने को मिलती है, एंड इसका जो एक मेजर कॉज है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. और वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी किस चीज की है, ZN यानी कि जिंक की है. ठीक है, सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था मैसूर पंजाब में, एंड इसकी डिस्कवरी हुई थी तराई रीजन पे, उत्तराखंड के तराई रीजन पे इसकी बेसिकली डिस्कवरी हुई है. ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहले क्लोरोसिस देखने को मिलता है. क्लोरोसिस में क्या होता है कि बेसिकली येलोइंग हो जाती है लीव्स की. ठीक है, तो क्लोरोसिस देखने को मिलता है. उसके अलावा क्या होता है कि स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स फ्रॉम द लीव बेस, लीव बेस में क्या होता है, छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनने लग जाते हैं. इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, फिर ड्वार्फ टाइप का वो प्लांट हो जाता है, और उसमें क्या होता है, ईल्ड कम हो जाती है. ईल्ड कहने का मतलब है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो गिर जाती है. ठीक है, सो ये कुछ सिम्टम्स है खैरा डिजीज के. खैरा डिजीज इज अ काइंड ऑफ नॉन पैरासिटिक डिजीज विच इज सीन इन केस ऑफ राइस बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे जिंक सल्फेट यूज कर सकते हो, प्लस जो एक लाइम होते हैं, 2 स्प्रे हमें देने हैं एट द इंटरवल ऑफ 10 डे. ओके, तो जिन जनरल जो इसका मैनेजमेंट है खैरा डिजीज का, वो क्या है कि आपने जिंक सल्फेट और स्लेक लाइम को मिक्स करना है 400 लीटर वाटर में, एंड उसके 2 स्प्रे देने हैं विद इन द इंटरवल ऑफ 10 डेज. 10 दिन छोड़ के, जैसे फर्स्ट स्प्रे आपने दिया, उसके 10 दिन छोड़ने के बाद आपको उसका सेकेंड स्प्रे देना है. ठीक है, तो ये बेसिक मैनेजमेंट है खैरा डिजीज का. सेकेंड जो डिजीज होती है उसको ब्लैक टिप डिजीज या फिर हम मैंगो नेक्रोसिस बोलते हैं. ठीक है, अभी जो मैंगो नेक्रोसिस है, इसको सबसे पहले कहां रिपोर्ट किया गया था, इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा. एंड इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो हमारे एबनॉर्मली लॉन्ग होते हैं टिप में, स्मॉल सर्कुलर पेल पैचेस एट द टिप,
आउटर स्किन बिकम फ्लैट एंड हार्ड एंड जो मीजोकार्प वेसल्स होते हैं दे हैव ब्राउनिश डिपॉजिट. ठीक है, तो बेसिकली इसका कॉज क्या है? कॉज होता है जो ब्लैक फ्यूम्स होती है सल्फर डाइऑक्साइड के एक्सपोजर की वजह से जो होती है, ये मैंगो नेक्रोसिस या फिर ब्लैक टिप डिजीज देखने को मिलती है. इसका मैनेजमेंट होता है कि हम लोग बोरैक्स स्प्रे यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो एग्जाम में अगर आपका नॉन पैरासिटिक डिजीज आता है तो आप इसमें होने को तो बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ सकते हो, बट मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है तो उसमें अगर आप दो एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करोगे दैट्स इनफ. ओके, तो थोड़ा सा आप जनरल इंट्रोडक्शन दो कि भाई नॉन पैरासिटिक डिजीज क्या होती है, फिर आप चाहो तो और भी डिजीज के एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हीट कैंकर ऑफ लिनसीड होता है, लिनसीड्स में डिजीज देखने को मिलती है हीट कैंकर, इट इज बिकॉज ऑफ द हाई सॉइल टेम्परेचर. सिमिलरली ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो एक डिजीज होती है जो कि नॉन पैरासिटिक होती है, ये होती है बिकॉज ऑफ द पुअर ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को भी डिटेल में पढ़ सकते हो, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू डिजीजेज आर इनफ टू एक्सप्लेन द नॉन पैरासिटिक डिजीज. जो नॉन पैरासिटिक डिजीजेज होती है उसमें यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती है, तो अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप चाहो तो एक्स्ट्रा डिजीजेस के बारे में भी इसमें स्टडी कर सकते हो. ठीक है, सो आई होप कि आज का जो लेक्चर था वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा. इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं एंड मैं कोशिश करूंगी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्लांट पैथोलॉजी के उसमें मैं वीडियोज को टाइमली अपलोड कर सकूँ. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.